कह रहे आज के डेट में ये चिकन है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या डाला हुआ है, चिकन, लहसुन, अदरक, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर नहीं डाला, चाट मसाला, काला नमक, अभी हम लोग कर्ड डालेंगे और इसको ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल दीजिए और चिली पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर देंगे इसमें थोड़ा सा। और मैं कर रहा हूँ कल के खाने की तैयारी। और ये मेरे हस्बैंड देखिए सुबह में हमको टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने क्या बोला कि मैं जाती हूँ इसके कोफ्ते की तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये कोफ्ता है हम लोगों का, बहुत सुबह लौकी का कोफ्ता बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हस्बैंड जी चल दिए हैं लौकी का कोफ्ता को वो करने, और मैं मना कर रही हूँ तब भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, कोफ्ते को अभी फ्राई कर दूंगी और कल रस बना के उसके अंदर डाल दूंगी। रात हो चुका है, 9 बज रहा है, और अभी मैं ये आंवला की चटनी बनाऊंगी, आंवले की चटनी बनाऊंगी। इधर देखिए तो बहुत मन लगता है। जो ये ना जाइए बैठिए, देखिए घसीट के ले जा रहे, चलिए उधर टीवी देखने, चलिए उधर टीवी देख रहे हैं, कितने जिद्दी है, जाना नहीं चाहते है। अकेले उधर बैठ के क्या करूंगा, आप इधर में उधर, तू यहाँ मैं कहाँ, जिंदगी है कहाँ है। सर चले गए हैं तो पूरा घर पे फैलाया हुआ, देखो क्या कर रहे हैं। अब क्या नजारों में रखा है तेरा चेहरा काफी है, अब क्या नजारों में रखा है तेरा चेहरा काफी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं यहाँ पे आंवले की चटनी की तैयारी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आंवला धोकर ग्राइंडर में ही कट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4-5 आंवला लिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें मैं लहसुन छील के डाल रही हूँ, मतलब 4-5 लहसुन का कली, अदरक, मिर्चा, नमक, धनिया पत्ता सब मैं डाल के इसको है ना ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल के ग्राइंड कर लूँगी और फ्रीज में मैं रख दूँगी टिफ़िन में या टाइट कंटेनर में बंद करके। तो ये मेरा 2 दिन ऑलमोस्ट चल जाता है, जैसे कुछ भी हुआ, चावल दाल हुआ, रोटी सब्जी हुआ, तो टिफ़िन में, स्कूल में तो अंश नहीं खाता है, अंश के डैडू को ऑफिस में मैं दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं कद्दू कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कोफ्ता क्रश हो चुका है, लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ, और यहाँ पे गार्लिक और ये जिंजर का पेस्ट डाला है, बेसन डालूँगी मैं यहाँ पे, और बगल में हमारा चिकन वो टिक्का तैयार हो रहा है। तो हम लोग का है ना जिम करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो जितना हो सकता है उतना ही डाइट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं डाइट, वैसे होता कहाँ है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे कोफ्ता में मैंने मिर्चा पाउडर डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाला है, बेसन और कॉर्नफ्लोर अलारोट उसको डाल के मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। और मैं इसे फ्राई कर दूंगी, क्योंकि सुबह में है ना लौकी का कोफ्ता नहीं बन पाता है जल्दी जल्दी, 6:30 में मन नहीं करता है बनाने का, और टिफ़िन में कुछ अच्छा देने का मन था कल, तो ये मना कर रहे थे कि छोड़ दो नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल दूंगी। तो हम लोग है ना अक्सर सरसों के तेल में सब्जी खाते। गोल गोल क्यों डाल रहे हैं? गोल गोल अच्छा लगता है। गोल गोल मत डालिए ना। क्यों? गोल राउंड से अच्छा क्या? आप जाइए आराम कीजिए, हटिए। ये हो गया ना? ये देखिए ये बन गया हम लोग का। अंशु रखो तो सब। मेरा नाम अंश नहीं है। अंश है ना आपका नाम, चलिए रखिए। देख रहे हैं जी वो थ्रेड का पूरा खोल के बैठा हुआ है। देखिए जी, देखिए सब आते हुए भी बेकूफ बन रहा है, सब लोग हंसेगा मजाक करेगा, जा
है ना तेल लगाने बैठी हूँ, अभी रात के 10:30 हो रहे हैं। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले शादी के पहले मेरा हेयर बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जैसे मैंने स्ट्रेटनिंग कराया हेयर में या ग्लोबल हाईलाइट कराया, जो भी कराने को सोच रहे हैं केमिकल बाल में लगाने को, तो प्लीज़ गाइस उसे जितना केमिकल हो उससे आप दूर रहिए। मैंने है ना बाल में अपना केमिकल बहुत यूज़ किया शुरू में, मतलब आज तक 2-3 बार स्ट्रेटनिंग कराया है और 2 बार हाईलाइटिंग कराया, जिससे है ना मेरा बाल है ना बिल्कुल थ्रेड की तरह हो गया है, धागे की तरह जहाँ तहाँ गिरा रहता है, हेयर फॉल बहुत होता है, मेरे बाल बहुत पतले हो गए, यहाँ तक कॉम भी नहीं होता है। उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि बार बार पार्लर जाए, स्पा कराए, ये कराए, वो कराए, मुझे ना वो फालतू काम लगता है, पैसा वेस्टेज लगता है बार बार पार्लर जाके ये सब। तो मैं तो पार्लर जाती ही नहीं हूँ पहली बात, दूसरी बात मैं सिर्फ आईब्रोज बनाने के लिए जाती हूँ। तो जितना घर का तेल हो, जितना घर का ट्रीटमेंट हो, हेयर ऑयल हो, कोकोनट ऑयल या जो भी आपका फेवरेट हो, आप उससे घर पे वीक में 2 बार मसाज कर सकते हो और अपने हेयर को अच्छा कर सकते हो। तो आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आप अपने हेयर को मसाज करना। तो मैं जब से तेल लगाना स्टार्ट की हूँ मेरा हेयर अच्छा हो गया, नहीं तो पहले तो एकदम टकली हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। तो मेरे हस्बैंड ही थे जो मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा ट्रीटमेंट चला हेयर का, फिर भी हेयर लॉस नहीं रुका जब से ये मेरा मसाज। सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, पर मेरा बाल है ना इतना उलझ जाता है ना कि मेरे से खुद से कॉम होना बहुत डिफिकल्ट है ना, सब एक में उलझ जाता है, मतलब लगता है ना जैसे कैंची से काटना पड़ेगा, इस टाइप का मेरा पूरा हेयर है ना जी, बहुत ज्यादा बेकार यहां पे है पीछे में, और खासकर ज्यादा उलझ जाता है यहाँ पे पीछे में, पूरा उलझ जाता है जैसे कि आप लोग देखिए एक दूसरे में फंसा हुआ, दिखाइए तो फंसा हुआ है, कब का हेयर लॉस हो गया रहता ना। सो जाओ अंश, जाओ ना, सोने का मन नहीं है, जाओ ना सो जाओ, चलो तो सो, तो सो तो बचपन से ही सोता नहीं है, 2 बजे तक हम लोग जगे रहे तो 2 बजे तक जगे रहेगा, अगर रात भर आप नहीं सोएंगी तो रात भर नहीं सोएगा। पहले का जमाना गया, अभी मेरी फ्रेंड लोग का शादी नहीं हुआ है, तुम कहते हो पहले का जमाना गया, मम्मा का जल्दी शादी हो गई तो मम्मा पहले वाली हो गई, तुम्हारे सारे फ्रेंड बूढ़े हो गए कह रहे आज के डेट में आपके सारे फ्रेंड बूढ़े हो गए होंगे। गाइस मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो।